स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से इन्हें आगे बढ़ा दिया जाएगा, ऐसे ही उनको भी यहां पर और अन्य स्थानों पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए नौजवानों के लिए रोजगार भी है, हजारों किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी भी है, पशुपालकों को गोबर का दाम भी मिलेगा, यानी एक साथ पराली के साथ साथ गोबर का भी दाम मिलेगा, और आप लोग गाय को छोड़ेंगे नहीं बल्कि गाय को पालेंगे कि दूध नहीं तो गोबर ही सही, गोबर से ही हम लोग कई गुना आमदनी यहां कमा पाएंगे। यह बायोगैस प्लांट उस गोबर को खरीदने का काम करेगा और अतिरिक्त आमदनी यहां के लोगों को, पशुपालकों को और किसानों को देगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की यही मंशा है, आमदनी कई गुना बढ़ानी है तो खेती के साथ साथ पराली में भी उसको आमदनी हो, पशुपालन में दूध के साथ साथ गोबर में भी आमदनी हो, आमदनी अन्नदाता किसान की कई गुना बढ़ेगी। और किसान हमारा अन्नदाता किसान, बहनों और भाइयों, अगर अन्नदाता किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल है, अपने आप खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। और आज का ये प्लांट दक्षिणांचल में उसकी शुरुआत है। मैं इसके लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने शिवरात्रि के दिन अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाल करके गोरखपुर को यह सौगात दी है शिवरात्रि की। मैं इसके लिए हृदय से आप सभी की ओर से उनके प्रति हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, आज गोरखपुर को हम लोगों ने जहां इस प्लांट के साथ जोड़ा है, हजारों किसानों को पराली के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा, यानी जो पराली जला दी जाती थी पर्यावरण भी खराब होता था, आज हम प्रकृति के साथ साथ पर्यावरण की भी सुरक्षा कर पाएंगे, उनकी अतिरिक्त आमदनी भी होगी, गोबर जो जहां तहां पड़ा रहता था उससे भी अतिरिक्त आमदनी होगी, यह तो हो ही रहा है। इससे 20 मीट्रिक टन बायोगैस बनेगी और 125 मीट्रिक टन यहां पे जैविक खाद भी इसके माध्यम से प्राप्त होगी, जो हमारी धरती माता की सेहत को बनाने के लिए बहुत उपयोगी साबित हो जाएगा। अगर आप यूरिया और पोटाश के साथ इस कंपोस्ट को भी उसके साथ वहां पे खेतों में डालेंगे, खेत की उर्वरता बनी रहेगी और लंबे समय तक वह खेत आपका उर्वरा बन करके आपको इसी प्रकार की आमदनी के साथ जोड़ता रहेगा। लेकिन आज यहां पे साथ ही साथ 165 करोड़ रुपए के इस प्लांट का उद्घाटन के साथ हम जोड़ ही रहे हैं 222 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का और भी सौगात दक्षिणांचल वासियों को हम उपलब्ध करवा रहे हैं। इनमें महत्वपूर्ण है एक महदेवा दुघरा सोपड़ा मार्ग का चौड़ीकरण 15 किलोमीटर का है, इसमें लगभग 36 करोड़ रुपए हम लोगों ने इसके लिए स्वीकृत किए हैं, आज इसका भी शिलान्यास होने जा रहा है। और साथ साथ यहां पे उर्वा धुलियापार सापुर बेलघाट मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का 17 किलोमीटर का यह कार्य भी हम लोग 57 करोड़ रुपए इसके लिए भी स्वीकृत कर दिए हैं, इसका भी आज शिलान्यास कर रहे हैं। कौड़ीराम मनोली तटबंध से जुड़ी हुई 6 परियोजनाओं के लिए भी लगभग 31 करोड़ रुपए के कार्य का आज यहां पे शिलान्यास हो रहा है, जिसमें लॉन्चिंग एप्रन और स्लोप पिचिंग का यहां पे कार्य होना है, उस कार्य के लिए भी हम लोगों ने धनराशि स्वीकृत कर दी है। कनेल मझगावा बांध को बाढ़ की सुरक्षा के लिए जियो बैक कटर, रिवर बैंक का जियो ट्यूब से उसके बचाव की और पुनर्स्थापना के कार्य को भी हम लोग इसके साथ जोड़ रहे हैं। और इसके साथ ही हम लोग यहां पे गोरखपुर के दक्षिणांचल में, जिसके लिए हमारे सांसद और विधायक बार बार कहते रहे हैं, घाघरा नदी से मल्लाह टोली, बिसरा, अर्जुनपुर इत्यादि गांवों में यहां पे इसकी सुरक्षा के लिए, जिसने बड़लगंज टाउन की सुरक्षा के लिए भी हम आवश्यक कार्य करने जा रहे हैं, इसके लिए भी हम लोगों ने इन सभी कार्यों के लिए भी बाढ़ बचाव के लिए आवश्यक धनराशि स्वीकृत कर दी है, जिससे कार्य इस बार बाढ़ के समय में दक्षिणांचल को
राप्ती नदी से भी और सरयू नदी के बाढ़ से भी हम बचा, घाघरा की बाढ़ से भी बचाने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर पाएंगे। इस दिशा से ये कार्य आज यहाँ पे होने जा रहे हैं। इसके लिए भी मैं यहाँ के सांसद जी को, यहाँ के विधायकों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों,